चीनी सैनिकों से हिंसक झड़प में शहीद हुए सुनील कुमार का गुरुवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो गया। सुनील कुमार के 10 साल के बेटे आयुष ने मुखाग्नि दी। इससे पहले उनके पैतृक गांव बिहटा में तारानगर से मनेर स्थित गंगा घाट तक अंतिम यात्रा निकाली गई। अंतिम यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारत माता की जय और वीर सुनील अमर रहे के नारे लगाए। सुनील के पार्थिव देह को सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया था। लोगों को वीर सपूत सुनील के जाने का दुख तो था, लेकिन इस बात का गर्व भी था कि सपूत ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। शहीद सुनील कुमार की पत्नी ने भी उनके पार्थिव शरीर को सैल्यूट किया। शहीद के इस अंतिम यात्रा में बिहार के मंत्री नंद किशोर यादव, सांसद रामकृपाल यादव, विधायक भाई वीरेंद्र सहित कई अधिकारी भी उपस्थित रहे। वहीं शहीद की पत्नी रीति कुमारी ने कहा कि सरकार चीन से मेरे पति की शहादत का बदला ले, लोग चीन के सामानों का बहिष्कार करें, चीन सीमा पर हमारे सैनिकों की जान ले रहा है और पैसे कमाने के लिए यहाँ सामान बेच रहा है। भारत में चीन का कोई प्रोडक्ट नहीं बिकना चाहिए। आपको बता दें कि 15 जून की रात को गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। न्यूज़ डेस्क।